हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में एमपी व्यापम के द्वारा नया अपडेट दिया गया है अपनी साइट पर। देखिए, व्यापम का जो कैलेंडर है गाइस, अभी कुछ टाइम पहले ही अपडेट किया गया है। और आपको बताइए, जैसे कि पहले व्यापम ने अपना जो अपडेटेड जो कैलेंडर था वो डिलीट कर दिया था, उसके बाद में नया अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो फाइनली हम चलते हैं एग्ज़ाम जो शेड्यूल है इसमें और देखते हैं कि कौन कौन से वैकेंसीज को नई ऐड की गई है, साथ ही एग्ज़ाम डेट क्या नई दी गई है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, पहले नंबर पर यहाँ पर जैसा कि शो हो रहा है, पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनको पहले व्यापम कंडक्ट करवाएगा 26 नवंबर। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी है, अभी आपका सेप्टेम्बर चल रहा है, सेप्टेम्बर, अक्टूबर और नवंबर, ये दो महीने हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने। इसमें व्यापम कोई से भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। अक्टूबर पूरा खाली जाएगा, नवंबर भी खाली जाएगा, 26 नवंबर को एग्ज़ाम रहेगी आपकी पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा। तो देखिए, याद रखिएगा, नवंबर में और दिसंबर में ये आपकी प्री एग्रीकल्चर यानी PAT की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। साथ ही 11 से 12 दिसंबर को जो अभी फर्जीवाड़ा हुआ था ये कहकर इसको कैंसिल किया है MP व्यापम ने, तो इसको कंडक्ट करवाएगा। किसान कल्याण कृषि विभाग की वैकेंसी है ये, और इसके अलावा और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है इसको कंडक्ट करवाएगा 17 से 19 दिसंबर के बीच में। और इसके अलावा ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है गाइस, इसको 23-24 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये तो आपको पता चल ही चुका है, जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ से अपडेट मिल चुका है। अब हम बात करते हैं फाइनली हमारी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भर्ती के बारे में, जो कि 2020 की वैकेंसी है ये। और देखिए, यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है ये दिया गया है कि 8 जनवरी 2022 को इसका जो है आपकी परीक्षा होगी। तो स्टार्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा रहा है, यानी स्टार्ट एग्ज़ाम आपकी 8 जनवरी से स्टार्ट होगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षा शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है यही आपकी 5 मार्च को स्टार्ट होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा और कई सारी जो अपडेट है, नई वैकेंसीज भी यहाँ पर ऐड की गई है, ये भी आप देख सकते हैं, जैसे सब ग्रुप 2 और इसके अलावा ग्रुप 4, ग्रुप 3 और ये जितनी भी एग्ज़ाम है ये सारी जो आपके आने वाले टाइम में नई जो एग्ज़ाम है ये रहेगी, जो कि आपके 2022 में कंडक्ट इनको करवाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सारी वैकेंसीज के बारे में, आप व्यापम की साइट पर भी जाकर इस अपडेट को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस कि ये जो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की वैकेंसीज है ये आपकी 2020 की वैकेंसीज है कि 8 जनवरी को ही एग्ज़ाम होगी। तो हम आपको बता दें कि देखिए, इससे पहले नवंबर और दिसंबर का टाइम दिया था, अक्टूबर नवंबर का टाइम दिया था व्यापम ने, बट उसको डिलीट करके नया टाइम शेड्यूल उन्होंने डाला है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है 2020 यहाँ पर दे रखा है और ये 20 की वैकेंसीज है, 22 तक पहुँच गई है। मुझे लगता है कि इससे आगे इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनको एक और नई वैकेंसीज भी निकालना है MP कांस्टेबल की। तो आप मान के चलेगा कि 8 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम रहेगी 2022 में, आप इसको देखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। मेरे ख्याल से इससे आगे एग्ज़ाम डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। गाइस, आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और गाइस, इस टेस्ट सीरीज़ पर 50% से अधिक का डिस्काउंट चल रहा है। अभी 300 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है, ओनली ऑन आपको 149 रुपीज़ में मिल रही है। और इस टेस्ट सीरीज़ का डेमो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, MP GK का पूरा कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़, वीडियो लेक्चर और PDF फाइल, 50% का डिस्काउंट है। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही 2021 का MP करंट अफेयर और 2020 का MP करंट अफेयर, इसकी ईबुक आपको मिलेगी और इस पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर 2021 वाले पे, और 2020 वाले पे 80% के समथिंग डिस्काउंट चल रहा है। नहीं लिया है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही डेमो भी देख सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए रामबाण ईबुक साबित होगी। आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। तो आज के स्टूडियो में बस यही अपडेट था गाइस, व्यापम कैलेंडर अपडेट के बारे में। कैसा अपडेट लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।